कल जो वरुण हम बात भी कर रहे थे, गैस प्राइस हाइक होने वाला है 1 तारीख से, उससे पहले ही आईजीएल ने डिसाइड कर लिया कि ये गैस के प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं। सरकार नहीं बल्कि गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की है, तो आई थिंक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने वाला था सरकार की तरफ से ये भी आते हुए दिख रहा है 1 अप्रैल से। हर बार देखते हैं साल में 2 बार प्राइसेज रिवाइज होते हैं, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को नए प्राइसेज आते हुए दिखते हैं, तो लग रहा है कि जो 2 दिन बाद से नए प्राइसेज आने वाले हैं वहां पर ऐलान आ ही गया। नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान है, ONGC को दिखाइए इस पर, देखते हैं अगर वो नीचे से रिकवर कर रहा है। हालांकि आज OFS का दिन है तो सप्लाई की वजह से वो स्टॉक प्रेशर में है, 7% का डिस्काउंट है, बट ONGC पर आपको रखना चाहिए फोकस। फोकस करिए थोड़ा गेल पर भी, पेट्रोनेट LNG पर रखिए नजर, इस समय रिएक्ट नहीं कर रहे, देखते हैं किस तरह से दाम बढ़कर आए। बट आई थिंक वरुण आपने कैलकुलेशंस भी निकाली थी कितना संभावित, देखिए हाँ एक्चुअली जो होना चाहिए ना वो करीब 7 से 8 डॉलर के आसपास होना चाहिए, 2.9 डॉलर के आसपास है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि शायद पूरा पास ऑन नहीं हो, हो सकता है इस बार करीब 2-3 डॉलर के आसपास बढ़े, तो 2.9 से आप समझिए हो सकता था कि करीब 4-5 डॉलर के आसपास निकल के आए, इसके आसपास आना चाहिए, इससे ज्यादा अगर हो गया तो फिर दिक्कत की बात बहुत सारे लोगों के लिए हो जाएगी, बहुत सारी कंपनीज के लिए हो जाएगी, लेट्स सी कितना होता है। लेकिन पहले ये माना जाता कि शायद इस बार 2 डॉलर बढ़ेगा और हो सकता है कि अक्टूबर में जो प्राइस हाइक हो उसमें 2-3 डॉलर और बढ़ जाए, फिलहाल 3 डॉलर है, हाँ फिलहाल 2.9 5 डॉलर हो जाएगा, 5 डॉलर होना चाहिए, तो 5 डॉलर में भी हाहाकार मच जाएगा, एक्चुअली 7-8 डॉलर होना चाहिए, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा लेकिन इसके लिए। और दीप एक बात है, ये हमेशा प्राइस हाइक की जो खबर है ना, ये जैसे कि 1 अप्रैल को होने वाला है ना, तो 1 अप्रैल को ही आती थी, इस बार मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि इतने जल्दी कैसे आ गई। हम वेट कर रहे हैं कि दाम एग्जैक्टली कितना हुआ है वो पता चले, बट नजर रखनी पड़ेगी। ऑयल इंडिया यहां पर भी आपको इम्पैक्ट दिखेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी थोड़ा इसका इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा, नजर रखिए। सारे सिरेमिक स्टॉक्स के लिए थोड़ा नेगेटिव ऑफकोर्स होगा, वहां पर भी आपको रखनी चाहिए नजर। गैस बेस्ड पावर प्लांट स्पेशली टॉरेंट पावर जो ये चलाता है उस पर भी एक्शन आएगा, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है। ONGC सप्लाई की वजह से थोड़ा कमजोर है, अदरवाइज वहां पर भी इसका इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा, तो बड़ी बड़ी खबर है। फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए ऑफकोर्स नेगेटिव है, क्योंकि फर्टिलाइजर उत्पादन में भी गैस का काफी बड़ा इस्तेमाल होता है, तो नजर रखते हैं दाम बढ़े हैं 5.93, तो 5 डॉलर की बात कर रहे थे, लगभग 6 डॉलर हो गया, 6 डॉलर हो गया, तो जो पास ऑन अभी भी 1-1.5 डॉलर के आसपास पास ऑन नहीं किया है, तो पूरा पास ऑन नहीं, पूरा पास ऑन नहीं है, लेकिन ठीक है 5, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 2-3 डॉलर बनने चाहिए, तो 5 के आसपास 6 के आसपास ही आ गया है, तो चलिए तो जो अनुमान था उससे बेहतर आया, बिल्कुल। और अब देखिए स्टॉक्स रिएक्ट भी करते हुए दिख रहे हैं, गेल भी अब थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम में आ रहा है, प्राइस का हम इंतजार कर रहे थे और अनुमान से बेहतर ये प्राइस आया है, लगभग 5 डॉलर का अनुमान था उसके सामने करीब करीब 6 डॉलर का इस पर अनुमान आते हुए आपको दिख रहा है जो एक्चुअल फिगर है। गेल थोड़ा मोमेंटम में भी है क्योंकि बायबैक का भी इसके इंतजार है, तो वो भी एक फैक्टर है जिस पर हमने नजर रखी हुई है। जय जरा गेल का चार्ट देखें, दीपांशु जहां तक गेल का सवाल है, मैं आपसे सहमत हूँ कि एक रिकवरी बहुत ही अच्छी आई थी ये स्टॉक में अपने 200 डेमा से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये लेवल्स होल्ड करते हैं उसके जो रिसेंट लोस थे 200 डेमा के आसपास के 144 के, तो इसमें एक अच्छा मूव हमें ऊपर में लगभग 170 तक का देखने मिलना चाहिए थी, 170 के आसपास ही एक रिवर्सल लेवल है इसके ऊपर की तरफ अगर आप देखें, पिछले कुछ महीनों से इनफैक्ट ये स्टॉक वहां पे आता है एंड वहां से हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है, और इम्पोर्टेंट दीप मैं ये कहूंगा कि स्टॉक में फिर से हमें गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, सो आई थिंक 144 लेवल ऑन द डाउनसाइड इज अ वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट, जब तक वो होल्ड करता है अपसाइड के चांसेस ज्यादा है इसमें, और लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट आया था उसमें भी वॉल्यूम्स की बढ़त हमें देखने मिली थी, ये रिकवरी में भी वॉल्यूम्स फिर से हमें आते हुए देखने मिल रही है स्टॉक में, सो 170 की ओर तो जा रहा है, वन कैन कंटिन्यू टू होल्ड और बाय फ्रेश स्टॉप लॉस 144 के नीचे। ओके, तो ये है आपके लिए गेल जिस पर रखनी है।